सीएनजी स्टेशन की हड़ताल के बायस गाड़ियों में सीएनजी भरवाने के लिए शहरियों को कई घंटे इंतजार करना पड़ा। शहरियों का कहना है कि उनका कीमती वक्त सीएनजी के हसूल के लिए कतारों में लगकर जाया हुआ है। लोग सही टाइम पे अपने काम पे नहीं पहुंच पा रहे, देर हो रही है गाड़ी की वजह से। मतलब ये ना कि यहाँ पे तो टाइम की तो कदर ही नहीं है, बिल्कुल ना गवर्नमेंट की कदर है किसी की, कितना टाइम वेस्ट हो रहा बंदे का। दो दो घंटे तीन तीन घंटे इसके लिए लाइन में लगा दिया हमें, क्या करें, गैस भी नहीं मिल रही है, परेशान, फिर प्रेशर भी नहीं है। चूंकि पेट्रोल सीएनजी के तकरीबन दो गुना महंगा है, इसलिए शहरियों को कतारों में लगकर सीएनजी भरवानी पड़ रही है। लंबी कतारों में लगने की वजह से शहरी अपने रोजमर्रा के काम भी ना कर सके, जबकि बीमारों को अस्पताल जाने के लिए भी लंबी कतारों का सामना करना पड़ा। टाइम लिया हुआ, दाऊ मेडिकल जाना है हमें, यहाँ भी नहीं है करीब भी, अब क्या करें, इतनी परेशानी है। पागल बनाया हुआ है, मुझे 4 बजे डॉक्टर के यहाँ पहुँचना है, 4 बजे डॉक्टर उठ जाएगा और पिछले 1.5 घंटे से मैं लाइन में लगा हुआ। शहरियों का कहना है कि आए रोज की हड़ताल और सीएनजी की लोड शेडिंग से वो परेशान है, हुकूमत इस मसले को हल करने में नाकाम है। मुतबादल फ्यूल महंगा होने की वजह से ये अफराद सीएनजी के हसूल के लिए इन लंबी कतारों में लगे हैं और इनकी ये मजबूरी इनका वक्त बर्बाद कर रही है। कैमरामैन मंजूर हुसैन के साथ किफायत अली शाह, दुनिया न्यूज़ कराची।